हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मान्या की ऑनलाइन क्लास हो गई है और अब वो नहाने गई है और मैं यहाँ पर दलिया चढ़ा दी हूँ। दलिया की सीटी भी निकल गई है। मैं वेजिटेबल दलिया बनाती हूँ जो खाने में अभी बहुत अच्छा लगता है सर्दी में। तो यहाँ ये बन ही गया है और यहाँ पर मैंने दाल भी गो दी थी और यहाँ पर मैंने सूजी और दही का बैटर बना दिया है। साथ में मैं सूजी दही के चिल्ले बनाऊंगी। मैं धुले हुए बर्तनों को मैं स्टैंड में लगा दूंगी। दलिया पुलाव की सीटी निकल गई है तो मैं इसे अब मिक्स कर लूंगी और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें गाजर, मटर, टमाटर देके मैं बनाती हूँ और ये ज़्यादातर मैं सर्दी में ही खाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ही दलिया बहुत पसंद आता है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पुलाव की तरह। ऐसा बनाने से बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं पुलाव समझ कर। और ये गर्मा गर्म दलिया बन चुका है और हम दोनों नहा लिए हैं इसलिए मैं किचन में अब गई हूँ और दलिया सर्विंग करूँगी। मान्या की तो नौटंकी चलती रहती है और मैं ये बाहर आ गई हूँ। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी और मान्या को मैं बोल दी हूँ लेकिन वो सुनती नहीं है तो मैं अपना खाना चालू कर दी हूँ क्योंकि इतना ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से मेरी पढ़ाई हो जाती है, थकान मुझे हो जाती है, मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी। और अब ये मान्या भी आ गई है। माने तो मार्केट में जाती है तो अपने लिए कुछ ना कुछ पसंद करती है। देखिए कैसे कर रही है, जैसे वो अभी परचेज करने ही आई है। मैंने सूजी दही का घोल बनाया है, इसमें शिमला, गाजर, टमाटर दे दिया है और नमक डाल दिया है और इसमें पानी जितना ऐड करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। इसे तवा पे भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और साथ में मैं यहाँ पर ये दाल बना रही हूँ, मिक्स दाल है। इसमें नमक, हल्दी और घी डाला है और अब इसको बॉयल चढ़ा रही हूँ। बच्चों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है जब किचन में रहते हैं। वो इतना बोलते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या करें। कई बार तो मैं इग्नोर करती रहती हूँ, वो बोलती रहती है, मैं इग्नोर कर देती हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती। वरना तो क्या डाला और क्या नहीं डाला वही भूल जाते हैं। कढ़ाई में चढ़ा रही हूँ और इसे मैं रिफाइंड ऑयल से बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा तेल डालने से बन जाते हैं। मानिए थोड़ा राई दे दो। लेकिन कटोरी है। हाँ है, ये लो कटोरी और चम्मच लो। ये। हाँ दो। हाँ ऐसे चलते दो ऐसे चलते ऊपर। हाँ तो मेरे अपने ना उसे और वो लड़ाई मैं तो दो दिन ले रहा हूँ। आज या मना रहा है अभी खाले हम लोग। हाँ सबसे पहले हम लिया चम्मच और टेकती ये हर चम्मच जो अपनी भी तरफ से आप तो धूप भी बजाना सकते हैं। ओके। मान्या की नौटंकी तो चलती रहती है। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाला और थोड़ा सा राई डाल दिया, राई चटक गया। तब ये चिल्ले का घोल का बैटर डाला है। बैटर एक चम्मच या डेढ़ चम्मच डाल देते हैं, जितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से। और उसको मैंने फैला लिया है। ये चिल्ले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे गोल्डन ब्राउन सेकते हैं हम लोग तो खाने में बहुत क्रिस्पी लगते हैं। और इसको ढक ढक के पका लेंगे दोनों साइड से। और ये अब मैं इसे वापस से पलटूंगी। ढक्कन उतार दिया है और ये सिंयासी और खुरपे की मदद से मैं इसे पलट ले रही हूँ। और पलटने के बाद इस साइड को भी
गोल्डन ब्राउन सेकने देंगे। और दूसरे साइड में मेरा दाल बन रहा है, दाल बॉइलिंग हो रहा है और यहाँ पर हल्का सा तेल डाल दिया है और अब इसे ढक्कन देके पका लेंगे। और अब ये दोनों साइड से पक चुका है, कितना अच्छा लग रहा है, खाने में डोसा जैसा लगता है। खाओगी? और साथ ही मैं अब दूसरी तैयारी भी कर लूँगी दाल के लिए। अब ये दूसरा चिल्ला डाल दे रही हूँ, इसी तरीके से सारे चिल्ले डालने होते हैं। और इसके लिए भी मैं यहाँ पर राई डाल दे रही हूँ और यहाँ पर ये घोल अब डाल दूँगी। मम्मी लोग तो यही सोचती है कि जब मौका लगे खाना बना ले, बच्चा थोड़ा सा भी इधर उधर बिजी हो खाना बन जाए, क्योंकि बच्चे खाने बनाने नहीं देते हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं। और मैं यहाँ पर ये हरी मिर्च टमाटर वगैरह काट रही हूँ दाल के लिए, जो भी लगता है एक बार में मैं कट कर ले रही हूँ। और दाल छौंक दूँगी, दाल में छौके वाले में ही छौंकूँगी और फिर उसे कुकर में डाल दूँगी, मैं अलग से बड़ी कढ़ाई नहीं करूँगी। ये देखिए मैं छौका वाला ले ली हूँ जिसमें दाल छौंक लूँगी। और मैं नॉर्मल सी दाल फ्राई टाइप ही बना रही हूँ, लेकिन मिक्स दाल यूज़ किया है। और इसमें थोड़ा बहुत मैं सांभर मसाला वगैरह डाल दूँगी, जिससे थोड़ा सांभर का टेस्ट आएगा और सूजी का उत्तम थोड़ा सा डोसा टाइप टेस्ट देगा। और यहाँ पर मैं घी से बना रही हूँ, देसी घी से। और इसमें मैं ये जीरा, राई, हरी मिर्च, हींग का छौंका दे दूँगी और ये टमाटर वगैरह डालूँगी। तो यही मैं यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ। जीरा दोगी? और ये तेल गरम हो गया है, यहाँ पर मैं जीरा, राई वगैरह डाल दूँगी। और ये दाल खाने में हम लोग को बहुत स्वाद लगता है, इसमें हम लोग नींबू डाल के खाते हैं। मान्या और मेरे को दोनों को ये दाल पसंद आती है, हम लोग दोनों को ही खट्टा बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं ये चिल्ला पलट रही हूँ, मम्मियों को तो इसी तरीके से काम करना पड़ता है, एक साथ में दो तीन काम चलते रहते हैं, वरना तो काम सलटेगा ही नहीं। कभी मैं बर्तन साथ में सजा लेती हूँ, क्योंकि चिल्ला के साथ दूसरा काम बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि चिल्ला पकने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं अब चिल्ला को डाल दी हूँ और यहाँ पर ये दाल फ्राई का तैयारी हो रहा है। हींग वगैरह देके, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर वगैरह देके छौंका लग रहा है। और यहाँ पर ये नमक थोड़ा सा दे दिया है टमाटर के हिसाब से, दाल में भी मैंने नमक दिया था। और यहाँ पर ये अब मैं दाल को खोलूँगी और फिर इसे घोटनी से अच्छे से घोट लूँगी, जिससे घोटी हुई दाल अच्छी लगती है। तो अब मैं ये घोटनी ले लूँगी और फिर इसे घोटूँगी और ये घोट रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने इसे छौंका भी दे दिया है। पानी जितना डालना हो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी को पतली दाल पसंद है, किसी को गाढ़ी पसंद होती है। और मैं इसे अभी चढ़ा दे रही हूँ वापस से गैस पर, बॉइलिंग करवा लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैं एक बार हिला ले रही हूँ जिससे नीचे चिपके नहीं। और गर्मा गर्म दाल सर्दी में तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं ये चिल्ला को पलट ले रही हूँ, चिल्ला का काम मेरा साथ साथ में चलता ही रहता है, जितना चिल्ला चाहिए होता है उतना मैं बना ले रही हूँ। और जब लगता है बाद में दोबारा भी दिन में खा सकते हैं बना के, घोल बना हुआ रहता है तो कोई टेंशन नहीं रहता है, बनता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पर ये चिल्ले बन रहे हैं और यहाँ पर ये दाल भी बन गई है, अच्छे से बॉइलिंग आ चुकी है, खाना रेडी हो गया है। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। और मैं इसमें नींबू डालूँगी, क्योंकि नींबू डाल के मुझे पसंद आता है, मैंने चकोर फांक करके रख दिया है, मेरी बेटी तो खुद ही निचोड़ेगी नींबू को, वो नींबू ही लेकर बैठ जाती है। मैं यहाँ पर दूसरी कटोरी में भी दाल डाल रही हूँ और अब इसे बाहर में हम लोग हॉल में बैठ कर खाएंगे। और ये मैंने सर्व कर लिया है और मेरी बेटी की तो नौटंकी चल रही है, मैंने प्लेट रख दी है, वो चटाई लेके घूम रही है।
और वो चटाई को बोलती कि मेरी है तो इसको नहीं बिछाना है। तो मैंने उसे बोला कि मम्मा भी तो तुम्हारी है, और मैंने चटाई लेकर बिछा दी। हाँ तो तुम्हारे तो नीचे बैठेंगे ना, हमने दोनों बैठेंगे। मम्मा किसकी है? हाँ चल ठीक है जाओ। वो देखिए दाल में नींबू निचोड़ रही है, वो नींबू ही लेकर बैठी रहती है। और मैं खाना खा रही हूँ, वो खाना तो नहीं खा रही है, वो मुझे अब डिस्टर्ब ही कर रही है। और खाना खाते वक्त वो गोदी में बैठ गई है। माँ तो शांति से खाना नहीं खा पाती है, बच्चे इसी तरीके से करते हैं। और बच्चे जब खाना माँ खाती है तो बीच में बोलते हैं वॉशरूम जाना है, ये करना है, उसी समय उनको सब कुछ चाहिए होता है, तो वही सब करते रहते हैं हम लोग। माँ पूरा दिन घर में काम करती है और बच्चों की नौटंकी देखती है। और यहाँ पर ये मुझे बोलेगी मम्मा मुझे लाइट जला दो, तो उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा। खाने के मुझे बीच में मुझे कितनी बार उठना पड़ता है, और यही मैं उठ गई हूँ उसके लिए, खाना बीच में छोड़ना पड़ा। मान्या ये क्या हो रहा है? तुम ये नहीं खाओगी? वो सब खाओ। तुमको यही भाता है, टिकला भाता है, वो सब नहीं खाना है अभी आज। बस करो, इतना नहीं खाते, पेट दर्द करता है। मैं ना तारा ले ली, मैं इतना तारा ले ली। इधर 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 दे दो फ्रेंड, आज मैं ना गाना लियो दे दो। वो खाओ दाल वाल, तुम खाओ। खाना बना है लेकिन उसको टिकला खाना है, यानी कि मठरी बनाती हूँ जो मैं घर में, वो खा रही है। खैर ये भी आटा का बना है, जो खा रही है वही सही। और यहाँ पर मैं क्रिसमस ट्री बनवा रही हूँ मान्या के साथ वाटर कलर से, विद द हेल्प ऑफ फॉक। और मान्या को भी साथ में मैंने लगाया है, और हम लोग दोनों मिलके बना रहे हैं। मान्या को आजकल वाटर कलर्स करना अच्छा लगता है, वो नॉर्मल क्रेयॉन्स नहीं करती है, उसको लगता है वो बड़ी हो गई है तो वाटर कलर करेगी, क्रेयॉन्स नहीं करती। पहले वो ड्राइंग करती थी लेकिन आजकल वो नहीं करती है। वो तो मेरे को हर समय ही बोलती है वाटर कलर दे दो मम्मा, लेकिन मैं उसे देती नहीं, मैं अपने सामने ही करवाती हूँ, वरना एक दिन में ही सारे कलर्स ख़त्म कर देगी और पूरी फ्लोर गंदी कर देती है। तो वाटर कलर्स को मैं ज़्यादातर अपने साथ ही लेकर बैठती हूँ, कभी कभी अपने आप करने देती हूँ। और यहाँ पर हम दोनों कर रहे हैं, मान्या देख रही है, मान्या बोल रही है कि मम्मा अच्छा नहीं बनाया, गंदा बनाया, ये कोई क्रिसमस ट्री है। फिर लेकिन मान्या खुद से भी कुछ कोशिश करेगी। और मैं यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री का स्टेम बना दे रही हूँ, और फिर यहाँ पर स्टार्स वगैरह बनाऊंगी। क्रिसमस ट्री में स्टार वगैरह भी रहते हैं रेड कलर से, वो मैं बना दे रही हूँ। मान्या सब देख रही है कैसे बन रहा है। बैक साइड से बनता है। ऐसे और भी बनाना है। वाओ हो गया अच्छा ना? ये
क्रिसमस ट्री है? हाँ। इज दिस क्रिसमस ट्री? लुक एट योर मम्मा क्रिसमस ट्री। ये मेरा है लेकिन आप तो बना रहे हो गया क्रिसमस ट्री? मम्मा तो चोर बनाए। लीफ प्रिंटिंग करोगी? हाँ अब तेरे लग जाएंगे। और ये हमारा लीफ वगैरह बन गया है, क्रिसमस ट्री बन गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जिससे मोटिवेशन मिलेगा कुछ अच्छा वीडियोस बनाने के लिए। बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।